गुस्सा ऊपर काबू। एक छोकरी हती, तेनु नाम रूपा हतु। रूपा ने वात वात मा गुस्से थई जवानी आदत हती। तेनी माता तेने घणी वार समझावती, दीकरी गुस्सो करवो एक खराब आदत छे। आ सांभळी रूपा वधारे गुस्से थई जती अने खूणामां जईने बेसी जती। एक दिवस रूपा फूलदानी लईने आवी, एने फूलदानी टेबल पर मूकी। रूपानो भाई अखिलेश टेबलनी आसपास रमतो हतो। रमता रमता अचानक तेनो हाथ पेली फूलदानी ऊपर वागी गयो। धड़ाम, फूलदानी जमीन पर पड़ी गई अने टुकड़े टुकड़ा थई गई। रूपा अखिलेश पर मोटे मोटे थी बराड़ा पाड़वा लागी। तरत ज रूपानी माता त्या एक अरीसो लईने आवी। अरीसामां पोतानो चेहरो जोई रूपा गभराई गई, कारण के अरीसामां रूपानो भोळो चेहरो खूब ज खराब लागतो हतो। पोतानो आवो रूप अरीसामां जोईने रूपा रड़वा लागी। ते पछी रूपानी माताए तेने वहाल करता कह्युं, बेटा गुस्सामां तारू आ रूप केटलू खराब थई जाय छे। जो तू आदत नहीं सुधारे तो कोई तने प्रेम नहीं करे, कोई तारी साथे रमवा नहीं आवे। एटलू ज नहीं तो तारी सुंदरता पण गुमावी बेसीश। बेटा तारू नाम रूपा छे, तो पोताना नाम ने अनुरूप बन। वात वात पर गुस्से थईने तो पोतानो आ सुंदर रूप केम बगाड़े छे। हवे रूपा ने बधी ज वात समझाई गई अने तेने पोताना गुस्सा ऊपर अंकुश राखवानी शुरुआत करी। धीमे धीमे रूपाए गुस्सो करवानुं ज बंद करी दीधुं। हवे बधा ज रूपा ने प्रेम करवा लाग्या। खुशीनी वात तो ए हती के हवे आपणी रूपा वधारे रूपाळी थई गई અને સૌની વાલી બની ગઈ। સાચે જ જો આપણે આપણા ગુસ્સા ઉપર નિયંત્રણ કરતા શીખી જઈએ તો આપણા સમગ્ર શરીર તથા મન પર તેની અસર થાય છે।